how was this pandemic and this lockdown for you? This pandemic, when it started initially, तो ये ऐसा ही था, fantasy kind of, जहाँ पर सब lockdown हो गए हैं और सब मेरी जिंदगी जी रहे हैं जैसे मैं जीता हूँ, which is normally I don't go out much, मैं अपने घर पे ही रहता हूँ and I work, that's it. तो जब ये शुरू हुआ, हाँ, तो जब ये शुरू हुआ, then starting में तो I was very, I don't know, एक excitement थी, एक obviously वो था कि थोड़ा सा panic था, because everything was getting shut down, but at the same time एक एक्साइटमेंट थी कि अब एक कुछ नया फेज आ रहा है लाइफ का, एक नया कुछ डिफरेंट है ये, जहाँ पर यू कैन नॉट गेट आउट. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आई रियलाइज्ड कि ये तो हमारे साथ खेल रहा है, हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है लिटरली, बिकॉज एक होता है कि तुम अपने फैसले से बाहर नहीं जा रहे हो, एक होता है कि तुम्हारे पास वो फैसले करने का ऑप्शन है ही नहीं. लेकिन अब इंस्टाग्राम पे क्या है, बिकॉज आई वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर, ठीक है, एंड आई वॉज मोस्टली एट माई हाउस making videos and just repeating the schedule every day ना, so it just felt कि मैं अब क्या ऐसी क्या story डाल दूँ जिससे मैं अलग क्या दिखाऊँ, there is nothing to show, right? Were you able to, I mean, create stuff for your YouTube channel? वो आसानी थी? See, YouTube is a very different game than Instagram. YouTube में क्या है ना, I realized कि since अब क्योंकि अब almost I think 2 साल होने वाले हैं since the lockdown began और the pandemic को चालू हुए, so तब से लेकिन अब तक आई फील कि बहुत टाइम बदल चुका हूँ और मैं भी बदल चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ कि कैसे मैं कंटेंट को देखता हूँ और कैसे मैं अपने चैनल को देखता हूँ. अर्लियर इट यूज्ड टू बी मोर लाइक कि हमें क्या करना है ना, हमें हर महीने, ठीक है, एक वीडियो निकालनी है जिससे लोग एंटरटेन हो. नाउ द पर्पस हैज चेंज्ड, ठीक है, नाउ आई एम मोर इनटू कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ जिससे ज्यादा इम्पैक्ट आए. क्या होता है ना व्हेन यू आर एट होम ना, एक तो डिस्ट्रैक्शंस ऊपर से क्या है ना, तुम्हारे माइंड में एक बबल बन जाता है तुम्हारा कि कैसे वर्ल्ड तुम्हें परसीव करता है इन एवरीथिंग. नाउ वो तब तक नहीं टूटता है अनटिल एंड अनलेस तुम बाहर नहीं जाते हो, तुम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, तब वो ब्रेक होता है. बट क्योंकि पैंडेमिक था, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद एनीबॉडी, यू कैन नॉट गो आउट, तो तुम्हें वो पता नहीं, तो मेरा भी एक बबल बन गया दिमाग में. तो उससे क्या हुआ ना कि आई फेल्ट वेरी रिस्ट्रिक्टेड, आई फेल्ट कि एक ब्लॉक था मेरे दिमाग में. मतलब क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में अपने आप ही रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, बिकॉज आई फील हर क्रिएटर ना कि एवरी क्रिएटर इज वेरी इनसिक्योर, एवरी क्रिएटर, आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी होगा लाइक हाँ लोग बोलते हैं कि नहीं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग, दे आर, बट आई स्टिल फील कि हर क्रिएटर ना कहीं इनसिक्योर होता है अपने कॉन्टेंट को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, जो कि आई थिंक ये लॉकडाउन काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग था मेरे लिए, बिकॉज इट हेल्प मी ओवरकम दोज थिंग्स. जब आप बाहर जाते हैं तो कभी आपको लोग रास्ते पे लोग के बोलते हैं यार कैरी जस्ट टोन डाउन ऑन दी अब्यूजेस, यू नो, ये होता था पहले, आई मीन यू नो व्हेन यू वुड बी स्टेपिंग आउट, और वो स्पेशली अमंग लेट्स से द एल्डरली जनरेशन, द पेरेंट्स जनरेशन, व्हेन दे वुड रिकग्नाइज यू, वो होता था? सी पहली चीज तो व्हेन आई एम लाइक, पहली बात तो कि जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना, ठीक है, इट्स वेरी मतलब मजाक वाली बात, ठीक है, बिकॉज when you're talking on social media or maybe commenting on social media versus when you're meeting that person face to face na, so obviously so suppose you hate someone on social media, yeah, if you don't agree with somebody on social media, but that doesn't mean ki agar tum unse face to face miloge to unko tum pani nahi puchoge ya tum unko ye nahi bologe are yaar kya haal hai, you won't, as an you won't greet them, right? So I feel ki मीडिया और हमारी जो रियल लाइफ है उसके बीच में हमेशा एक फर्क आ जाता है, तो एट द एंड ऑफ द लाइफ की ज्यादातर लोग अप्रिशिएट ही करते हैं, ठीक है, एंड इफ दे डोंट अटैक यू, ठीक है, वो ऐसे अटैक नहीं करते मुझे कि यू नो तुम ऐसे ऐसे करते हो क्यों करते हो, दे आर नॉट ऑन माय नर्व्स और एनीथिंग.